गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब लोग? बच्चों, आप सब लोग नर्सरी में हो। आपने लास्ट वीडियो तो देखा होगा, उसमें हम सब ने आप सबको कौन सी बुक में पढ़ना है, हमारे पास किस तरह की बुक है वो आप सबने देख लिया है, कि आप सबको किस तरह से राइटिंग करना है, क्या ओरल करना है, वो सारी बुक सेट आपने देख लिया और आप सबने अब तक बुक सेट परचेज भी कर लिया होगा, है ना बच्चों? तो आज हम स्टार्ट करेंगे राइम्स के साथ, क्योंकि आप सबको ओरल पोर्शन भी आएगा, राइटिंग पोर्शन भी आएगा, यानी कि हमें बोलना भी है और लिखना भी है। तो आज हम ओरल सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करेंगे, यानी कि हम राइम्स से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, ये आप सबकी राइम्स एंड सॉन्ग की बुक है, यानी कि हम इसमें से बहुत सारे राइम्स यानी कि पोएम सीखेंगे। तो आज हम फर्स्ट पोएम स्टार्ट करेंगे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो बच्चों, आप सब लोग तैयार हो ना? आप सबको भी मेरे साथ ये राइम्स बोलने हैं। ये ट्विंकल ट्विंकल वाली पोएम तो आप सबको आती होगी, है ना बच्चों? स्टार्ट करते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबाउ द वॉल सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। बच्चों, अब हम ये पोएम है वो आप सबने, मैंने अभी आप सबको राइम्स की बुक दिखाई ना, उसमें देखकर बोलेंगे। तो बच्चों, ये आप सबकी राइम्स एंड सॉन्ग की बुक है, जिसमें आप सबको पेज नंबर 3 ओपन करना है। वहाँ पे हमें राइम नंबर 2 दी है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो बच्चों, आप सब लोग भी मेरे साथ बोलते जाइए। मैं एक लाइन बोलूँगी, फिर बाद में आपको ये लाइन रिपीट करनी होगी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अब आप सब लोग बोलिए बच्चों, क्या बोलना है आप सबको? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। क्या बोलेंगे आप सब लोग बच्चों? हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबाउ द वर्ल्ड सो हाई। क्या बोलना है बच्चों? अप अबाउ द वर्ल्ड सो हाई। और लास्ट लाइन है, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। क्या है बच्चों? लाइक अ डायमंड इन द स्काई। बच्चों, हम ये पूरी पोयम है वो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबाउ द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। आई होप कि आप सबको ये पोयम बोलने में बहुत ही मज़ा आएगा, है ना बच्चों? इसके साथ आप सबको अच्छी तरह से पोयम आ जाए तो हम यूट्यूब वाला वीडियो भी भेजेंगे, वो भी आप सब लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। पेरेंट्स, अब मैं आपको जो सूचना दे रही हूँ आप सबको ध्यान से सुनना है। आप सबके जो बच्चे हैं वो नर्सरी में पढ़ रहे हैं, यानी कि बहुत छोटे हैं, तो मैं यहाँ पे जो भी बुक में पढ़ा उसमें पेज नंबर वगैरह जो बोल वो उसको समझ में ना आए या कन्फ्यूजन होगा, तो उसके लिए आप सबको उसके पास रहना बहुत जरूरी है, ताकि आप सब उसे थोड़ा सा गाइडेंस दे सकें, तो आपके बच्चे हैं वो अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाएंगे। और पेरेंट्स, बीच में जो मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूं कि आप सबको आपके बच्चों की बुक में ये इस तरह से राइटिंग करवाना है, वो बोलवाना है, वो आप सबको अच्छी तरह से इंस्ट्रक्शन फॉलो करना होगा। पेरेंट्स, ये आप सबको ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।